हेलो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ट्रिपल सी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कोरियर ड्रो, फोटोशॉप, टैली प्राइम आदि सभी की 1x1 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर किसी भी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेल कर सकते हैं vkcigrnoida20@gmail.com। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स या जो स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में ट्रिपल सी की एग्जाम देने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज का वीडियो है कि एक्सेल में हम किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं। जब भी हम कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें हम किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये फाइंड और रिप्लेस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कंपनी में, कहीं पर भी हम जब जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, तो उनमें हम कैसे फाइंड करना है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो उसे कैसे हमें सही करना है, रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सेल ओपन करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं, ये एक मार्कशीट का डाटा है जो बना हुआ है। तो इसमें हम किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस करें, मान लीजिए ये डाटा काफी आपका बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आप किसी का नाम ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड, ये देखिए यहां पर फाइंड है, फाइंड पर हम जाएंगे और यहां पर हम फाइंड पर जाकर के यहां पर हम मान लीजिए नेहा जैसे ही नाम डालेंगे और यहां पर इंटरप्रेस करेंगे, तो देखिए यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए यहां पर ये कर रहे हैं। तो अब जैसे ही डाटा छोटा तो सामने आ गया, अदरवाइज ये जहां भी होगा वहां पर ये आपको ले जाएगा कि ये कहां पर नेहा है, वहां पर ये आपको। चलिए दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स, फाइंड की जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे फिर भी आपका देखिए छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें मान लीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर डाल लिया विशाल कपूर, विशाल जो सबसे आपका नीचे दिया हुआ है, यहां आप देख रहे हैं छोटा डाटा इसलिए। और जैसे ही यहां पर फाइंड करेंगे या फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहां पर आ गया आपका ये बॉक्स टाइप। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमें फिर कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है और यहां पर हमें A006, तो कैपिटल में A006 और देन फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिएगा ये A006 यहां पर ये दिखा रहा है, तो यहां पर बॉक्स आ गया, तो यहां पर A006 ये आपका यहां पर इसने फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं रिप्लेस। जैसे मान लीजिएगा, ये समझने के लिए आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए कि हम रिप्लेस कैसे यूज करें। जैसे मान लीजिए कुछ हमने यहां पर ये ये ब्लैंक मतलब खाली छोड़ दिए, तो मान लीजिए इन स्टूडेंट से एग्जाम नहीं दिया जो ब्लैंक खाली है, तो बहुत सारे हैं, अब इसमें एबसेंट आप लगाएंगे, तो सिंपल आप पूरे डाटा को मतलब सेलेक्ट करिए और या तो रिप्लेस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमें देखिएगा क्या है, खाली, और ये फाइंड मतलब क्या खाली, तो खाली जगह हमें ए लाना है, तो देखिए ए हमने यहां डाल दिया है और ये फाइंड वाला खाली मतलब इसे ये मतलब रिप्लेस करेगा, क्या करेगा यहां पर ए, तो देखिए चलिए रिप्लेस और जैसे ही हम करते हो देखिए फ्रेंड्स ये देखिएगा, यहां आप देख रहे होंगे ये देखिए एब्सेंट आ गया,
तो इस तरीके से ये देखिए एबसेंट आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए आप देख रहे हैं ये आपका एबसेंट हो गया। इस तरीके से हम एबसेंट को अगर मान लीजिएगा अब ये एबसेंट है, हमें इसमें प्रेजेंट लगानी है। कैसे करेंगे, इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एच प्लस करेंगे, फाइंड में ए डालेंगे और ए को रिप्लेस क्या करेगा पी, मतलब वहां पी आएगा तो ए की जगह पी आएगा तो रिप्लेस में पी डालेंगे और यहां पर रिप्लेस कॉल करेंगे और यहां पर ये देखिए ए की जगह पी आ गया। तो इस तरीके से हम रिप्लेस का यूज करते हैं। और जैसे कि बताया फाइंड यानी डाटा कितना ही बड़ा है अगर कोई भी आपको फाइंड करना है तो तुरंत वहीं पर ही लेके जाएगा, उसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ है। अगर आपको उसी जगह रिप्लेस कुछ भी रिप्लेस करना है ठीक है ना, तो आप कंट्रोल प्लस एच और उसमें जहां मतलब जो फाइंड का ऑप्शन है जिसे आप हटाना है वो डाल लीजिएगा और उसे रिप्लेस क्या करेंगे वो डालेंगे, जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया। तो इस तरीके से रिप्लेस और फाइंड आपका यूज होता है एक्सेल में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।